नजफगढ़ से इनेलो के पूर्व विधायक भरत सिंह को कई गोलियां लगी है और उनको गुड़गांव के इस मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और 3 से 4 गोलियां उन्हें लगी है। आपको बता दें कि नजफगढ़ के पूर्व विधायक आज नजफगढ़ में ही एक वाटिका में कुआं पूजन प्रोग्राम में शामिल होने गए थे, तब उसी बीच हमलावर पहुंचे और वहां पे उन्होंने लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लगभग 3 लोगों को, भरत सिंह के साथ 3 लोगों को गोलियां लगी है, उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया और उसके बाद लगभग भगदड़ मचने की भी खबर है। कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और उन्हें अब फिलहाल इस मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालत बेहद खराब बताई जा रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक इससे पहले भी उन पर हमला हुए थे और उसमें इनको काफ़ी गोलियाँ लगी थी और उसमें ये बाल बाल बच पाए थे। उसके बाद आज एक बार फिर पुनः दोबारा इन पर हमला हुआ है और इस बार उनकी स्थिति आप उसमें आए हैं क्या? अच्छा, कहाँ से हैं? हम पानीपत से आए हैं। अच्छा, देखे आप? हाँ जी। अच्छा, क्या स्थिति है? स्थिति बड़ी नाजुक है। अच्छा, हाँ जी। क्या, कितनी गोलियां लगी? गोलियां तो अभी वो बता नहीं रहे जी, लेकिन देख सीरियस हालात है बहुत। कितने लोग वहाँ एडमिट है? एडमिट हमने तो भरत सिंह जी को देखा है। भरत सिंह को देखा? हाँ जी। कहाँ गोली लगी है अगर बताना चाहें तो? गोली एक तो यहाँ पर लगी है जी, हमने तो एक ही देखी है। एक बार जरा बाहर आएंगे चूंकि हमें भी समझने में आसान होगा और कहाँ कहाँ उन्हें जी बिल्कुल आप बताएंगे कहाँ कहाँ उन्हें लगी है? हमने तो एक गोली यहाँ देखी है जी। वैसे खून वून हो रहा है जी, हालात बड़ी सीरियस है उनकी, सीरियस पोजीशन है। हाँ, आपने देखी और भी कुछ लोगों उनके साथ 3 लोग बताए जा रहे हैं कि 3 लोगों को वो अंदर सब आई उसमें इमरजेंसी में एडमिट है ना जी, तो पता नहीं लग पा रहा पूरा प्रॉपर जी। हाँ जी, क्या जानकारी क्या मिली कहाँ पे? हमें तो प्रॉपर कुछ पता नहीं लग रहा जी, अभी अभी सब लोग आ रहे हैं तो बाद में पता लगेगा क्या है क्या नहीं जी। कौन इससे पहले भी हमला हुआ था? इससे पहले भी हमला हुआ था जी, तो उसमें तो वो बच गए थे जी। वैसे उस टाइम सीरियस थी उनकी पोजीशन, लेकिन उस टाइम वो बच गए थे जी। कैसी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, बेहद नाजुक नाजुक कंडीशन है। क्या इसके पीछे क्या आपको कुछ पता चल पाया है कि क्या वजह थी? क्या इस आपसी रंजिश ही है? आपसी रंजिश होगी, आपसी रंजिश। इससे पहले कितने लोग रंजिश तो क्या थी ये तो इनका कुछ हमें प्रॉपर पता नहीं लग पाया क्या है जी। हाँ जी बिल्कुल, उनके घर वालों से भी आपकी बातचीत हुई? नहीं, अभी मेरी किसी से बात नहीं जी। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि पानीपत से मिलने के लिए आए हुए थे और इन्होंने इनके मुताबिक उनको 3 गोली लगी है और उन्हें इस अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उपचार जारी है और स्थिति बेहद खराब है, बहुत नाजुक हालत है भरत सिंह को। ऐसे में देखना है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चश्मदीदों के बयान वहां दर्ज कराए गए हैं। हालांकि अभी भी यहां है कोई उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के भी बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं और लगातार देखने वालों का तांता लग रहा है। ऐसे में इस हमले के पीछे कितने लोग थे और इस हमले की मुख्य वजह क्या थी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज़, गुड़गांव।